वर्ब की फॉर्म जो होती है उसके मीनिंग क्या होती है, पहले हम ये देखते हैं, फिर बाद में हम अगला वीडियो होगा या इसके साथ में जो वीडियो होगा उसके अंदर वर्ब की फॉर्म के क्या होते हैं उसके फॉर्म्स वो भी सीखेंगे। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अलाउ मतलब आज्ञा देना, आस्क मतलब पूछना, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, अप्लाई का मतलब होता है प्रार्थना पत्र देना, अपीयर का मतलब होता है कोई का प्रकट होना, अराइज का मतलब होता है उठना, बी का मतलब होता है कुछ होना, उसकी प्रेजेंट फॉर्म भी दे रखी है इज़ एम आर, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रेक मतलब तोड़ना, बिहोल्ड मींस देखना, बैंड मतलब झुकना या मोड़ना, बस्ट मतलब फट जाना, बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना, बीट का मतलब होता है आज्ञा देना, बिल्ड मतलब होता है बनाना, बियर का मतलब होता है जन्म देना या सहन करना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बॉइल का मतलब होता है उबालना, बर्न मतलब जलाना, बर्न का मतलब जलना भी होता है जलाना भी होता है, चूज का मतलब होता है चुन लेना, कैरी का मतलब होता है उठाकर ले जाना, कम का मतलब होता है आना, चेंज मतलब बदलाव करना, कैच मतलब पकड़ना, चीट का मतलब धोखा देना, कॉपी मतलब नकल करना, कुक का मतलब खाना पकाना, क्लीन मतलब साफ करना, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, डिलीवर अर्थात कोई चीज सौंपना या पहुंचा देना किसी को, डाइव मतलब छलांग लगाना, डाइंग मतलब भोजन करना, डिग मतलब खोदना, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डू अर्थात करना, डील मतलब व्यवहार करना, ड्रीम अर्थात सपना देखना, ड्रॉप अर्थात खींचना, ड्वेल मीन्स निवास करना, ईट मीन्स खाना, एंगेज मीन्स किसी काम में लगना, एम्प्लॉय मीन्स नियुक्त करना, एंड मीन्स समाप्त करना, एनरिच मीन्स धनवान बनना और धनवान बनना, फाइट मतलब लड़ाई करना, फ्ली मतलब भाग जाना। उसके बाद है फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स माफ करना, फाउंड मतलब किसी की नींव रखना, जैसे बिल्डिंग वगैरह की नींव रखते हैं, फाइंड मतलब प्राप्त करना, जैसे कोई तलाश करते कोई चीज हमको प्राप्त हो जाती है उसको हम बोलते हैं फाइंड, फील मीन्स महसूस करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, फ्लाई मीन्स उड़ना, फाइंड मीन्स जुर्माना लगाना, फील मीन्स भरना, फ्लो मीन्स बहना, फ्लिंग मीन्स फेंकना, फॉल मीन्स गिरना या गिरा देना, फीड मीन्स पालन पोषण करना, फ्रीज मीन्स बर्फ जमाना, फिनिश मतलब समाप्त करना, गेट अर्थात कोई चीज प्राप्त कर लेना, गिव मीन्स देना, ग्रीव अर्थात शोक करना, होप आशा करना, हैव रखना, हाइड छुपाना, हंट शिकार करना, हैंग फांसी देना, हेल्प सहायता करना, होल्ड पकड़े रखना, हायर किराए से लेना, आयरन इस्त्री करना या प्रेस करते हैं कपड़ों पे वो, इनवाइट निमंत्रण देना, नॉक खटखटाना, नो जानना, किक अर्थात लात मारना, लीन अर्थात झुकना। उसके बाद है जैसे ले रखना, लाई झूठ बोलना, लाई का एक अर्थ होता है लेटना, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंसेस देता है, लाई दोनों में फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है जिसमें लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, लाई का मतलब लेटना होता है, परंतु सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, तो हम जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सीखेंगे या पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सीखेंगे उस समय उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है लर्न अर्थात सीखना, लीव अर्थात छोड़ देना, लैंड मीन्स उधार देना, लूज अर्थात खोना कोई चीज खो देना, लाइट उजाला करना, लीव जीना या रहना, और लुक देखना, मैंड मरम्मत करना, मिस्टेक गलती करना, मीट मिलना, एनिलेटिंग मीट होता है उसका मतलब मांस होता है वो एक नाउन होता है, बट यहाँ पर एम डबल टी मीट है ये एक एक्शन वर्ड है, तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम बाद में जरूर सीखेंगे। मैरी अर्थात शादी करना, मेमोराइज याद करना, मॉर्न अर्थात अफसोस करना दुखी होना, मॉर्निंग अलग शब्द है और मॉर्न अलग है, मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, MOUR एंड मॉर्न का मतलब होता है अफसोस करना या दुखी होना, मॉक मजाक करना, मूव हिलना चलना या हिलना, मर्डर अर्थात मार देना या किसी की हत्या कर देना, मैट बनाना, मैट अर्थात पिघलना, बर्फ वगैरह पिघलता उसके लिए मैट शब्द आता है, नोटिस किसी को सूचना देना, ऑब्टेन अर्थात पाना, ओबे इसलिए पालन करना, ऑफेंड
किसी को नाराज करना, ओपन खोलना, ऑन मतलब किसी चीज को खरीदना या मालिकाना हक होना किसी चीज के ऊपर, प्रेडिक्ट अर्थात भविष्यवाणी करना, प्रे और पे, पे मतलब चुकाना, किसी से हमने कुछ लिया हो पैसे वगैरह हमने उसको रिटर्न कर दिया हो तो पे कहते हैं, या बिल वगैरह पे करना, पे बांधना, पेट थपकी देना, पीठ पे थपकी मारते किसी को शाबाशी देते हैं उसमें पेट शब्द काम में आता है, प्लग अर्थात तोड़ना फूल आदि जो भी पार्क से हम तोड़ते हैं, और उसके बाद एक प्रे अर्थात प्रार्थना करना, पिक अर्थात चुनना या उठाना, प्ले अर्थात खेलना, प्रोवाइड उपलब्ध करना, प्रैक्टिस PRACTICE, प्रैक्टिस एक एक्शन वर्ड है लेकिन PRACTICE आया तो वो प्रैक्टिस एक एक्शन वर्ड ना होकर एक नाउन कहलाता है, पॉइजन जहर देना, प्रोसीड आगे बढ़ना, पुल अर्थात खींचना, उसके बाद है पनिश अर्थात सजा देना, पुश अर्थात धक्का देना, प्रिपेयर अर्थात तैयार करना, प्लीज अर्थात खुश करना, क्विट अर्थात छोड़ देना, क्वारल अर्थात झगड़ा करना, रेन अर्थात बारिश होना, रिफ्यूज अर्थात ना देना, रिपेंट अर्थात पछताना, रिजॉइस अर्थात खुशी मनाना, रुइन अर्थात किसी का नाश कर देना या नष्ट कर देना, राइड अर्थात सवारी करना, राइज का मतलब होता है उदय होना, रिकलेक्ट करना मतलब दोबारा याद करना हमारी मेमोरी में कोई चीज हो उसको, रॉट अर्थात सड़ जाना, रिच अर्थात पहुंचना, रिटर्न अर्थात लौटना, और रिमाइंड अर्थात याद दिलाना, रिक्वायर अर्थात किसी चीज की आवश्यकता होना, रिटायर सेवानिवृत्त हो जाना, उसके बाद है जैसे रिपेयर मरम्मत करना, स्टे ठहरना, शट बंद करना, स्ट्राइव प्रयत्न करना, सेट अर्थात डूबना इसलिए सूरज वगैरह का डूबना, ये सब साइन अर्थात हस्ताक्षर करना, स्मेल अर्थात सुनना, शो अर्थात दिखना, सिंग अर्थात गाना गाना गीत गाना वगैरह के लिए सिंग वर्ड आता है, सेंड अर्थात भेजना, सी देखना, शाइन चमकाना या चमकना, स्पीक बोलना, स्पिरिट गिरा देना, स्पिट थूकना, स्लिप सोना, स्प्रिंग उछालना, स्वेयर अर्थात कसम खाना, स्वेल अर्थात सूजना, सेव बचाना, स्टील चुराना, शिवर कांपना, टर्न मोड़ना, ट्रैवल यात्रा करना, टीच पढ़ाना, टेल कहना या बताना, ट्रस्ट विश्वास करना या भरोसा करना, थैंक किसी को धन्यवाद देना, टच स्पर्श करना या छूना, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अर्ज किसी चीज पे जोर देना, अंडरगो सहन करना, व्यू देखना, वॉट इसलिए वोट डालना, जैसे हम जाते हैं वोट डालने के लिए असेंबली के इलेक्शन होते हैं या लोकसभा के होते हैं, वेट इंतजार करना, वियर पहनना, विथहोल्ड अर्थात रोक लेना, वर्क काम करना, विन जीतना, विड्रॉ निकाल देना, राइट लिखना, वेड शादी करना, विवाह करना, मैरिज करना उसको वेड बोलते हैं शादी वगैरह हैप्पी वेडिंग, वेट अर्थात गीला कर देना किसी चीज को, विटनेस गवाही देना, वाइट वॉश अर्थात दीवारों पे कलर वगैरह करना सफेद कलर जो भी हो, वुंड अर्थात जख्मी होना इसको वाउंड भी कहते हैं, वांट अर्थात जरूरत होना, वॉश धोना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती हैं, ये हम फॉर्म्स जब सीखेंगे तब भी सीखेंगे, लेकिन आपको जब मैं ये सिखा रहा हूं तो एक बार बता देता हूं कि ये जो भी वर्ड्स में जो भी बोल रहा हूं उनकी तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसको दोबारा भी देख पाएंगे जब हम वर्ब की फॉर्म सीखेंगे उसमें वापस से हम इसको पूरी थ्री फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे, बट राइट नाउ मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि ये जो वर्ब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि बैट है, बस्ट है, कट है, हर्ट है, हिट है, तो इनके तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज इट इज रहती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेमोराइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और वर्ब्स, देन वी विल लर्न इट्स थ्री फॉर्म्स, ओके। तो नेक्स्ट है बैक अर्थात शर्ट लगाना, देखो इसमें साथ में एक खास बात ये कि इसमें उच्चारण क्या होता है वो भी लिखा हुआ है ताकि आप इसमें किसी चीज में गलत उच्चारण नहीं सीखें, तो आप इसको बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, लिखकर भी याद करें या रेगुलर इसको सुनते रहें तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ये साथ में भी ये वीडियो जो भी आप देख रहे हो उसको यूट्यूब पे लाइक करें और शेयर करें, चैनल जो वशिष्ठ एकेडमी नाम से दे रखा है उसको सब्सक्राइब करें,
और आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को ये सर्कुलेट करें ताकि वो भी सीख सके, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और ये जो प्रिपरेशन है वो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इसकी प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको इंग्लिश का काम पड़ता है, बेसिकली वर्ब्स तो सबको आनी चाहिए। बस अर्थात फूटना, बम वगैरह फटता है, क्रैकर्स वगैरह भी बस्ट करते हैं, कट काटना, हर्ट चोट लगना, हिट मारना, नीट अर्थात गुनना, लेट अर्थात किराया देना, पुट अर्थात रखना, रीट अर्थात इस चीज से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये थी दोस्तों आपकी वर्ब्स, वर्ब्स की जो मीनिंग है, जो बेसिकली 100 से 150 ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो जनरली हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, या जनरल इंग्लिश में हम कुछ स्पीकिंग वगैरह करते हैं, तो सारी तरह की जो रेगुलर यूज होती हैं वो वर्ब्स मैंने आपको भी बताई हैं। और आप ऐसा नहीं सोचिए कि एक बार देखते ही आपको याद हो जाए, कई बार एक कुछ लोगों को एक दो बार में याद हो जाता है, कहीं को नहीं होता है। तो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, और जो भी ये लिखा है उसको पॉज करके आप राइटिंग भी करें, ताकि आपका जो भी आप याद करना चाहते हो वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो आप ये जो वर्ब के मीनिंग्स हैं मैंने अभी आपको बताए हैं, ये ग्रामर ज्ञान पार्ट फर्स्ट में थे, इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर कोर्स की जो बुक है उसमें से हम आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। ये बुक से हमको काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिल सकती है स्टूडेंट को, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो। फिलहाल हम जो भी सिखा रहे हैं वो दोनों इंग्लिश को पर्पज में रख के सिखा रहे हैं, ताकि कोई प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड के एग्जाम्स की, या UPSC के एग्जाम्स हों, या कोई स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो सभी में इन सब का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को जो भी मैंने आपको दिखाया जिसमें वर्ब के मीनिंग्स बताए हैं, इसको बार बार देखें, अधिक से अधिक देखें, और इसको शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इसके अगले वीडियो में जिसमें हम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म या थ्री फॉर्म्स भी आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।